स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल डॉ ज्योति फिजिक्स लेक्चर आज का मेरा टॉपिक क्या है जो वी का 2021 का एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके जो है मैं फाइव लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ उसी का सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करते हुए डालने जा रही हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है टर्म रिजल्टिंग फ्रॉम थ्री एंड थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कि जब मैंने अपनी थ्री पी को तो की टर्म्स निकालनी चाहिए तो उनके कॉमन टर्म्स कौन सी आई उसके बाद नेक्स्ट है कि सेपरेशन है से जो थ्री पी नोट में थ्री पी वन में एंड थ्री पी वन थ्री पी टू में क्या उनकी रेशियो यही है थर्ड क्वेश्चन मेरे पास पार्ट है सॉरी एल एस कपलिंग के लिए सिलेक्शन रूल ये रहेंगे कि जो डेल्टा एल है मेरा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसमें चेंज आए जब मेरी ट्रांजिशन हो रही हो एक लेवल से दूसरे लेवल में जीरो प्लस माइनस वन का डेल्टा एस जो है चेंज इन स्पिन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम वो जीरो आए डेल्टा जे में जीरो प्लस माइनस वन आए या डी है मेरे पास सिलेक्शन रूल जे जे कपलिंग के लिए क्या रहेगा डेल्टा जे इक्वल टू जीरो प्लस माइनस विद जे इज जी जीरो से जीरो में अलाउड नहीं होती हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन मुझे बताने हैं इनमें से कौन से हैं मैंने एक एक ऑप्शन को सोल्व करने की कोशिश की है फर्स्ट मेरे पास था थ्री पी एंड थ्री डी थ्री पी इसके लिए एल वैल्यू क्या है मेरी P के लिए वन D के लिए मेरी L वैल्यू टू है अब टोटल L मैं कैसे निकालती हूँ L1 वन माइनस एल टू टू एल वन प्लस एल टू इतनी सारी मेरे पास टर्म आएंगी तो दोनों का डिफरेंस क्या वन माइनस टू का मोड यानी वन कहाँ तक जाएंगे जो है एल वन प्लस एल टू तक वन प्लस थ्री यानी मेरे पास वन टू थ्री टर्म सारी हैं अब वन कोर्सपॉन्ड्स टू पी टर्म टू कोर्सपॉन्ड्स टू डी टर्म एंड थ्री कोर्सपॉन्ड्स टू एफ टर्म यानी मेरे पास पी डी एफ आ रही है लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में क्या गिवन था एस पी डी तो ये स्टेटमेंट मेरे पास रोंग हो गई सेकेंड मेरे पास है सेपरेशन थ्री पी नोट में थ्री पी वन में ये दोनों लेवल्स हैं मेरे पास इसी तरह से थ्री पी वन एंड थ्री पी टू लेवल्स हैं उनकी सेपरेशन किसके प्रोपोर्शनल है जो हायर वैल्यू ऑफ जे होती है यानी यहाँ से वन यहाँ से टू वन इज टू टू रेशियो लेकिन स्टेटमेंट में क्या गिवन था मुझे टू इज टू वन तो ये भी स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो गई रोंग हो गई नेक्स्ट मेरे पास है रूल कपलिंग में यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट डेल्टा एल में जब एक लेवल से दो लेवल में एल चेंज हो रहा है मेरा तो जीरो का रहेगा या प्लस माइनस वन का रहेगा लाइक like मेरा पी से डी स्टेट में अलाउड है एस पी टी या डेल्टा एल का चेंज प्लस वन आ रहा है यहाँ पे डी से पी में आएगा तो किसका चेंज आ रहा है टू माइनस वन वन का पी से डी में जा रहा है तो माइनस वन का और डेल्टा एल में जीरो से जीरो भी सॉरी जीरो का है अलाउड पी से पी में भी जा सकता है जीरो का चेंज हुआ तो डेल्टा इसमें जीरो का आएगा डेल्टा जी में जीरो प्लस माइनस वन का तो सी ऑप्शन करेक्ट है मेरा और जे जे कपलिंग के लिए सिलेक्शन रूल क्या है डेल्टा जे दोनों ही दो लेवल्स के बीच में जे वैल्यूज़ में जीरो का चेंज आए या प्लस माइनस वन का आए लेकिन मेरा जे इक्वल टू जीरो से जे इक्वल टू जीरो ट्रांजिशन नॉट अलाउड सो so, ये सिलेक्शन रूल भी ठीक है तो सी डी ऑप्शन दोनों ही करेक्ट हैं और वो मेरे पास सेकेंड आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो so, एक मेटल मेटेरियल है मेरे पास फेरो मैग्नेटिक तो उसकी ससेप्टिबिलिटी की क्या वैल्यू होगी ओके फेरो मैग्नेटिक मेटेरियल्स हैं वो आपको याद रखना है उसकी ससेप्टिबिलिटी वैल्यू जो है बहुत ज्यादा होती है और पॉजिटिव वैल्यू होती है तो करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा हो गया पी इज राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है मुझे लिस्ट को मैच करनी है फर्स्ट के साथ सेकंड में हीट एब्जोर्ड है मेरी डेल्टा क्यू इंटरनल एनर्जी में चेंज मेरा डेल्टा यू से आ रहा है एंट्रोपी में चेंज मेरा डेल्टा एस से होता है आइसोबारिक चेंज ऑफ एंथेल्फी डेल्टा एच की एट कॉन्स्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस मेरी क्या है कांस्टेंट प्रेशर यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे क्या वैल्यू है तो ये चार ऑप्शंस मुझे गिवन है मैंने एक एक को सोल्व करके दिखाया है करेक्ट मुझे बताना है कौन सा किससे मैच कर रहा है ये मेरे पास सारे ऑप्शंस हैं तो सबसे पहले मैं अपनी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करती हूँ डेल्टा यू से आप दिखाते हो इंटरनल एनर्जी में चेंज को और वो किसकी इक्वल होती है सी वी इंटू डेल्टा टी सी वी मेरे पास होती है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो इन एडिशन अगर आपको स्पेसिफिक हीट एट कॉन्सटेंट वॉल्यूम निकालनी है तो वो कैसे निकालते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर यानी जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो डेल्टा यू मेरा कहाँ मैच कर रहा है सी वी इन डेल्टा टी ये ऑप्शन मुझे ज़रूर मिलेंगे तो बी ऑप्शन मेरा हो गया दिस में ओके अब चेंज ऑफ एंट्रोपी डेल्टा एस ये एक्सप्रेशन सबको पता होगा टी डी एस किसके इक्वल होता है डी क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स का सेकेंड लोग है यही मैंने लगाया है डेल्टा एस एज इक्वल टू तो डेल्टा क्यू बाई टी तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास हो गया चेंज ऑफ एंट्रोपी यानी सी मेरा मैच कर रहा है सेकेंड से ओके डी मुझे बताना है आई बारिक चेंज ऑफ एंथेल्पी ये मैंने जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंथेल्पी मेरे पास क्या होती है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी डी एच चेंज निकालिए क्या हो जाएगा डी यू प्लस पी वी का बाई पार्ट्स पी डी वी एक बार पी को कॉन्स्टेंट वी का डेरीवेटिव प्लस वी कॉन्सटेंट पी का डेरीवेटिव अब डी यू प्लस डी डी वी फर्स्ट जो है थर्मोडाइनमिक्स लो होता है चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन और चेंज इन हीट मेरी क्या होती है टी डी एस के इक्वल टी डी एस प्लस वी डी पी लेकिन मैं अपने डेल्टा एच को कॉन्स्टेंट प्रेशर पे निकालना चाह रही हूँ तो ये टर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा डी पी मेरा जीरो हो जाएगा कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए तो किसके इक्वल आ गया इक्वल टू टी डी एस लेकिन टी डी एस मैं अभी बता रही हूँ स्पेसिफिक सॉरी हीट होती है हीट अब्जोर्ब होती है तो डेल्टा क्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर तो ये एक्सप्रेशन कोई है मेरे पास आइसोबारिक चेंज ऑफ एंथेल यस yes. डी मैच करेगा फोर्थ से एक ऑप्शन रह गया वैसे तो उसका वही हो गया हीट टैप जॉब डेल्टा क्यू किस से मैच करेगा सी पी डेल्टा टी से तो क्या हुआ सी पी अगर मैं अपना निकालना चाह रही हूँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जैसे मैंने सी वी निकाला था डी यू बाई डी टी तो सी पी क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सो ये ऑप्शन अगर आप देखोगे तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर ई थर्ड बी वन सी टू टी फोर्थ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्टीशन फंक्शन का अगर आप अपना एम भी कर जाओगे ना तो एम के बाद भी नेट और गेट का एग्जाम दोगे तो पार्टीशन फंक्शन का हारमोनिक ओसीलेटर का हमेशा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे मेरा वन डी सिंपल हारमोनिक ओसिलेटर का क्वेश्चन है क्या है सिंगल क्वांटम हार्मोनिक ओसीलेटर है जो मेरा हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में है तो मुझे पार्टीशन फंक्शन निकालना है वन डे के लिए तो जनरल फॉर्मुला याद रखिए पार्टीशन फंक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस पीटा ई एन इसको एक्सपेंड कीजिए समेशन होता है मेरा ओवर एन अब हारमोनिक ओसीलेटर में एन कहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से ज़ीरो वन टू एंड थ्री अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए ई एन एनर्जी होती है एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ओके यही मैंने लिखा है अब एन को जीरो वन टू तो, थ्री इस तरह से सब्सटीट्यूट कीजिए समेशन को हटाने के लिए फर्स्ट टर्म मेरी हो गई जीरो प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा यानी हाफ एच क्रॉस ओमेगा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा बाई टू एच क्रॉस ओमेगा प्लस वन रखिए थ्री बाई टू आया एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थ्री बीटा बाई टू एच क्रॉस ओमेगा टू रखिए टू प्लस हाफ फाइव बाई टू हो गए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस फाइव बाई टू एच क्रॉस ओमेगा यहां से आपको मन निकाल सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा बाई टू एच ओमेगा से बाकी टर्म्स एज इट इज ऐसे इनैक्स सेवन बाई टू आएगी नाइन बाई टू आएगी तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बाई टू एच क्रॉस ओमेगा कॉमन निकाला तो क्या बचा वन प्लस ये थ्री बाई टू है तो यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा एच क्रॉस ओमेगा रह गया यहाँ से माइनस टू बी एच क्रॉस ओमेगा रह गया एंड सो so तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा बाई टू एच क्रॉस ओमेगा ये क्या है जी पी बन गई अगर आप देखोगे जी पी का सम क्या होता है ए ओवर वन माइनस आर ए वन है और आर मेरे पास टर्म क्या आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बीटा टैच क्रोस होगा अब मैं इसको कुछ साइन की फॉर्म में दिया हुआ है इसको मैंने सिम्प्लीफाई कर दिया है

तो दिस वन इज़ राइट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आपका तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं सो so दैट हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकें और थैंक्स फॉर हियरिंग मी अगर वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके थैंक्स अगेन